मेरा नाम जयप्रकाश गुरावा है मैं भारतीय रिजर्व बैंक एससी एसटी एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ सर क्या बाबा साहब के जो कार्य थे उनमें से दो कार्यों को आप गिनाएं सिर्फ दो सिर्फ दो बाबा साहब के तो इतने कार्य हैं कि आप सिर्फ दो ही क्यों सुनना चाहते हैं आप वो समय इसलिए दो सुनना ही इसलिए चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है बाबा साहब आज बाबा साहब ने एक शब्द और भी कहा था कि जिस समाज के अंदर 20 डॉक्टर 20 वकील और 20 इंजीनियर होंगे तो इस समाज को कोई पीछे नहीं कर पाएगा मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बाबा साहब ने जो ये कहा था मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया ऐसा नहीं था बाबा साहब ने जो कहा था उन्होंने कहा था कि मैंने जिन लोगों को पढ़ाया 20 लोगों को उन्होंने फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा था कि वो लोग वापस आएंगे और आके अपने समाज को वो दिशा देंगे उन 20 लोगों ने धोखा दिया था तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पढ़े लिखे समाज ने उनको धोखा दिया उन 20 लोगों की वजह से अगर 20 लोगों ने धोखा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि समाज ने धोखा दिया ये समाज आप देख रहे हो आज बाबा साहब का पढ़ा लिखा तबका ही है जो समाज को लीड कर रहा है आपके सामने है अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये 100 से ज़्यादा स्टॉल लगी हुई हैं ये सारे पढ़े लिखे समाज ने लगाई हैं इसमें गरीब तबका जो वो इसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है पर लीड हमेशा पढ़ा लिखा समाज ही करता है क्योंकि पढ़े लिखे समाज में वो समझ और एक बुद्धि होती है जिससे कि वो जो दूसरे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं या जो फासिस्ट जो ताकतें हैं या जो जातिवादी ताकतें हैं वो ताकतें अनपढ़ लोग जो हैं गरीब लोग हैं उनको बरगला सकती हैं पढ़े लिखे लोग को बरगलाना इतना आसान नहीं होता है तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बाबा साहब ने कहा था धोखा नहीं दिया सर आप कह रहे हैं बरगला नहीं सकते हैं कि अभी आपने देखा है कि जो 20 तारीख का 21 तारीख को जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया एट्रोसिटी को लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर कुछ संशोधन करना पड़ेगा उससे पूरा भारत के लोग बहुजन समाज के लोग एकदम छटपटा गए और उन्होंने 2 साल को भारत बंद कर दिया था जो भारत बंद हुआ उस भारत बंद में मैं भी अपनी संस्था के लोगों के साथ छुट्टी लेके मैं भी भारत बंद में शामिल हुआ था और उस भारत बंद को जो भारत बंद की किसी एक एसोसिएशन ने या किसी फेडरेशन ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई किसी तरह की कॉल नहीं दी थी ये लोगों का मूवमेंट था इस मूवमेंट को पढ़े लिखे लोगों ने लीड किया था आपको आपने देखा होगा जो दिल्ली के अंदर मंडी हाउस से और यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट तक आने के लिए कम से कम जब यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ 5 बजे के आसपास तक लोग पहुँचे थे इतना लंबा जाम था तो पढ़े लिखे लोगों ने लीड किया था और मेरा ये मानना है समाज को जो दिशा दे सकता है वो पढ़ा लिखा इंसान दिशा दे सकता है लेकिन सर आपने बताया कि 2 तारीख को जो पढ़े लिखे लोगों ने लीड किया आपने छुट्टी लेके उस धरने में भाग लिया उस प्रदर्शन में भाग लिया तो जिन लोगों ने छुट्टी ली थी या जो अपने ऑफिस से आए थे उनके साथ में एक विशेष कार्रवाई चल रही है डिपार्टमेंट की कोई बात नहीं चलेगी उस टाइम पे हम देखेंगे कार्रवाई क्यों चलेगी हम अपने अधिकारों के लिए अपने जो भाई हैं उनके अधिकारों के लिए हमारे समाज के अधिकारों के लिए अगर लड़ाई लड़नी है और उसके लिए अगर कोई डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लेगा तो उसके खिलाफ भी हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे अभी जो एक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने सब कमेटी जो बनाई थी उसके अंदर आप लोग किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ा ये जो बाबा साहब समारोह समिति संसद मार्ग बनाई गई थी इसका जो चाइल्ड ब्रेन जो जिसके पीछे था वो गौतम जी का मेरा ही था हम दोनों ने ये संस्था के लिए पहल की थी और हम ही ने कोशिश की कि यहाँ पे जो आपस में लोग लड़ाई झगड़ा समाज के लोग ही थे सब आपस में एक दूसरे के टेंट पे कब्जा करते थे उसका भी पोस्टर फाड़ना इस तरह की हरकतें करते थे उसको ख़त्म करने के लिए कि सभी को बराबर बराबर स्थान मिले और किसी के साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि गौतम जी के खिलाफ लोग पुलिस स्टेशन में भी गए थे पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ लोग चले गए थे कि जी ये टेंट नहीं लगाने दे रहे हैं तो हम सब ने मिलके इस बार पिछली बार कोशिश की कुछ कामयाब हुए इसमें गौतम जी उस संस्था के महासचिव हैं मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ सर अध्यक्ष महोदय जब आपने ये समिति बनाई क्या ये टेंट वेंट लगाने के लिए आपने कोई धनराशि वगैरह का भी वो रखा प्रावधान नहीं कोई धनराशि हमने किसी से ना ले सकते क्योंकि तो सरकारी जगह इसमें धनराशि लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ये तो एक आपसी व्यवस्था बनाने के लिए
90 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकट्ठी हुई हैं और जिन्होंने आपस में इकट्ठे बैठ के एक फैसला किया है कि हम आपस में ही एक ये सलाह करेंगे कौन आदमी कहाँ पे लगाएगा और कितनी जगह उसको इस्तेमाल करेगा। देखा गया कि एक ही डिपार्टमेंट के यहाँ चार चार वो पंडाल लगा रखे हैं, उसके अंदर खाली हैं। वो अगली बार हम इस चीज़ को, क्योंकि इस बार लोगों ने कहा कि हमें इस संस्था के नाम से भी चाहिए, उसके नाम से भी चाहिए, तो वो अलॉट कर दी गई। वो दो चार लोगों की समस्या थी, ये उनको सुलझा दिया गया, पर अगली बार हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार हमने इसकी पूरे की एक वीडियोग्राफी करवाई है, तो हम देखेंगे किस पंडाल खाली था और किस पंडाल में कोई काम नहीं हुआ और किसने ज़बरदस्ती जगह लेने की कोशिश की है कि वो कुछ भी नहीं करना उसने और फिर भी वो यहाँ आके ज़बरदस्ती दूसरे लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो खाली हैं या एक संस्था ज़्यादा पंडाल लेने की कोशिश करती है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको कम करेंगे। सर आज जो बाबा साहब के नाम पर अच्छे अहदे पे पहुँचे, अच्छे उच्च अधिकारी बने हुए हैं और अच्छा खा पी रहे, अच्छे अच्छे जगहों पे घूम रहे, अच्छी बड़े बड़े महलों में रह रहे, आलीशान गाड़ियों में चढ़ रहे, लेकिन आज अगर बाबा साहब के अगर 127वीं जयंती पर अगर सच्ची में अगर उनको श्रद्धांजलि दी जाए तो हमारे समाज को क्या संदेश के थ्रू क्या होनी चाहिए सर? बाबा साहब को आज हम श्रद्धांजलि नहीं दें, बाबा साहब का ये जन्मदिन है, इसको हम श्रद्धांजलि ना कहें, क्योंकि इसको पुष्पांजलि कहें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, ये खुशी का दिन है हमारे लिए। जब खुशी का दिन है तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि एक इस दुनिया में एक गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई इंसान पैदा हुए हैं जो मसीहा पैदा हुए हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, तो इसलिए हम खुशी मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम भाईचारा बनाए रखें और जो लोग हम लोगों के नाम पे नेतागिरी करते हैं उनके हम पीछे ना भागें। वो नेता जो लोग हैं उनको हमने बनाया, पब्लिक ने बनाया, पब्लिक के लिए संदेश है मेरा कि वो नेताओं के पीछे ना भागें, नेता उनके पास आएं, इस तरह का अपने आप को वो बना के रखें। धन्यवाद सर।